500 रुपए के पुराने नोट आज से पेट्रोल पंपों, एयर टिकटों की बुकिंग और टोल नाकों पर नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि इन जगहों पर मिलने वाली छूट आज से खत्म हो गई है। हालांकि सरकारी अस्पतालों और दवा दुकानों समेत पूर्व निर्धारित स्थानों पर 15 दिसंबर तक 500 रुपए के पुराने नोट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दरअसल पेट्रोल पंपों पर कमीशन लेकर पुराने नोटों की जगह नए नोट दिए जाने की आशंका के मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने यह फैसला लिया। वहीं खुले पैसों की परेशानी के मद्देनजर सरकार ने 2 दिसंबर की आधी रात तक टोल नाकों को फ्री कर दिया था, जिसकी मियाद खत्म हो गई है और अब कल आधी रात से टोल नाकों पर शुल्क लिया जाने लगा है। इससे खुले रुपयों की कमी के चलते अब टोल नाकों पर जाम लगने की तस्वीरें सामने आ रही है। मुंबई के मुलुंड टोल प्लाजा पर रात 12 बजे के बाद गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। वहीं ऐसी तस्वीर दिल्ली जयपुर हाईवे पर भी देखने को मिली। ज्यादातर लोग आज से टोल पर 500 रुपए के नोट नहीं लेने के बाद से भी अनजान दिखे। हालांकि लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार की तरफ से कुछ खास इंतजाम भी किए गए हैं, जिसके तहत नई स्वाइप मशीनें टोल नाकों पर पहुंचाई गई है। इसके अलावा सभी टोल नाकों पर डेबिट कार्ड और पेटीएम जैसे ई वॉलेट से भी टोल टैक्स का भुगतान किया जा सकता है। आपको बता दें कि देश भर में नेशनल हाईवे पर कुल 367 टोल प्लाजा है, जहां रोजाना औसतन 51 करोड़ रुपए टोल मिलता है। नोटबंदी के बाद टोल नहीं वसूलने से सरकार के फैसले से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को करीब 1238 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। नोटबंदी के फैसले के बाद सरकार ने लोगों को राहत देते हुए टोल फ्री कर दिए थे, लेकिन अब इसकी मियाद खत्म हो गई है, जिसके बाद लोगों की परेशानियां फिर बढ़ती नजर आ रही हैं और सरकार के इंतजाम नाकाफी साबित होते दिख रहे हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।